गुलबर्गा शहर के टीपू सुल्तान चौक आजादपुर रोड पर लाहम फैमिली रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। इस इनोग्रेशन के मौके पर नासिर हुसैन उस्ताद, इलिया सेट बागबान, नजर मोहम्मद बाबा खान, असगर चुलबुल, मजर हुसैन एडवोकेट, एडवोकेट हनुमंत यसंगी और कई दीगर मेहमान मौजूद थे। लाहम एक अरेबियन रेस्टोरेंट है जहां चिकन मंदी, मटन मंदी, फिश मंदी के अलावा बोरमा नामी नई टुर्की डिश बनाई जा रही है जो कि गुलबर्गा शहर में पहली बार देखने को मिलेगी। और इस रेस्टोरेंट में खासकर सैटरडे और संडे को बीफ स्पेशल मंदी भी बनाई जा रही है। मुख्तलिफ अरेबियन डिशेस के साथ कई तरह के स्वीट्स भी यहाँ अवेलेबल रहेंगे। आप इस रेस्टोरेंट को विजिट कर तमाम डिशेस का लुत्फ उठा सकते हैं। इस इनोग्रेशन के मौके पर मौजूद तमाम मेहमानों ने अरेबियन डिशेस का जायका लिया और खासकर तमाम लोगों ने बोरमा की तारीफ कर कहा, बढ़िया स्वाद के साथ कुछ नई डिशेस भी लाहम रेस्टोरेंट में पेश की जा रही हैं। लाहम फैमिली रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर्स ने तमाम मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए शहर के आवाम से एक मरतबा रेस्टोरेंट को विजिट करने की गुजारिश की है। इस रेस्टोरेंट में जेंट्स के अलावा फैमिली के लिए अलग सेपरेट सेक्शंस भी बनाए गए हैं। आज यहाँ पर जो अरबी डिशेस हैं यहाँ पर हमें जो है खाने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार टेस्ट इसका है। लेडीज़ के लिए भी स्पेशल इंतज़ाम किया गया, अरेंजमेंट किया गया है प्राइवेसी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एम्बियंस यहाँ का इस होटल का है। देखिए साहब, इंटीरियर तो काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लाहम के इफ्तिताह के मौके पर जब पहुँचे तो हमें मंदी का जायका लेने का मौका मिला, तो माशाल्लाह बहुत जायकेदार है, हम उसका लुत्फ उठाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नासिर उस्ताद साहब और अली खान साहब और हम और तमाम लोग मिलके जो है टेस्ट किए हैं माशाल्लाह मंदी और जो है बोरमा जो है माशाल्लाह एक खाने में आई। अल्हम्दुलिल्लाह टोटली सऊदी का टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि वो एक टाइम आए आज़ादपुर रोड पर, इंशाल्लाह आपको जो है ये जो सऊदी में खाएं आप वही टेस्ट मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में खैर बरकत दे। फैमिली रेस्टोरेंट है, फैमिली के लिए भी एक अच्छा सेटअप किया है जहाँ से कोई पार्किंग का प्रॉब्लम भी नहीं है। गुलबर्गा वाले आवाम से यह कहना चाहता हूँ, एक बार आके अपना लुत्फ उठाइए। इस मौके पर मैं जनाब सलीम साहब और उनके फर्जंदान को और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहां पर कुछ डिशेस हमें जायके के तौर पर पेश किया गया था, बहुत ही जायकेदार इसका टेस्ट था। ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಅದು ಸೂಪ್ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಮಾ ಅಂತೇಳಿ, ಮಟನ್ ಬೋರ್ಮಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅದ್ಭುತ ಟೇಸ್ಟು, ಬಡಿಯ ಟೇಸ್ಟು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಹಾಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಆಜ್ ಇಫ್ತಿತಾಹವಿ, ಇಸ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ ಜನಾಬ್ ಸಲೀಮ್ ಸಾಹಬ್ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಫರ್ಜಂದಾನ್ ಯಹಾಂ ಪೆ ಆಜ್ ಸಬ್ ಮೌಜೂದ್ ಹೈನ್. इन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में, इनके रोज़ी में बरकत दे, क्योंकि ये लोकेशन बड़ा अच्छा है, यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है और मैं समझता हूँ अगर आप रीज़नेबल रेट रखेंगे तो जब भी मेहमान आएंगे तो घर में नहीं बनेंगे, लोग आपके पास से ऑर्डर देके मंगाएंगे। टीपू सुल्तान चौक के जो अतराफ का जो एरिया है एक रेस्टोरेंट का हब बन चुका है,
ये रेस्टोरेंट में खासियत ये है, एक अलग तरह का एक माहौल यहाँ पर बनाया है, अलग तरह की डिशेस ये लोग जो है लोगों के लिए लाए हैं। घर का शेफ है, ये दूसरे जो शेफ़ आते हैं इधर के उधर के, ये शेफ़ इनके घर का है। ये लोग यहाँ पर खिदमत करने के लिए यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट यहाँ पर खोले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी तरह से यहाँ पर जो देखा जा रहा है इनॉग्रेशन के टाइम पे, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। लहम अरबियन हब फैमिली रेस्टोरेंट की आज इफ्तिताह हुई, इनॉग्रेशन हुई। इस मौके पर मैं मेरे बड़े भाई सलीम साहब को और उनके बेटे तबरेज साहब को, परवेज साहब को, ज़ुबैर साहब को और उनकी पूरी फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं नल्लीर निहारी जो फेमस है हैदराबाद की, जो गुलबर्गा में बन रही है, उन्हीं नल्लियों को, उन्हीं मटन को लेकर एक मटन बुरमा जो बनाया है, मैं तमाम मेरे जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, एक बार आप यहाँ का मटन बुरमा ज़रूर खाइए। और मैं आपके व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट तो बहुत अच्छा टेस्ट है, जैसे कि मंदी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर कोई फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो फैमिली के लिए भी एक सेपरेट जो कि एक बेहतरीन अंदाज में जो है इसका इंतज़ाम किया गया है, और जो जनरल सेक्शन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मुबारकबाद देता हूँ मैं जो ये होटल चालू किए, और उनके लिए अल्लाह ताला इज्जत दे। ये मेरे भतीजों के लिए मेरी यही दुआ है, और आप सब लोग आके गुलबर्गे के अवाम और बाहर से जो भी आने वाले विज़िट कीजिए इंशाल्लाह। चाहे वो फहम की बात हो या मंदी की बात हो या बुरमा की बात हो, हर चीज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त है, 100% जायकादार है। एक चीज़ अच्छी ये भी लगी कि मैंने मेनू को देखा, रेट जो है दीगर होटल के मुकाबले में बहुत ही मुनासिब रेट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस इंटीरियर को, इस लहम रेस्टोरेंट को भी ऐसे ही तैयार किया गया है, बनाया गया है। बहुत ही अच्छा इंटीरियर है और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जो अरेबियन फूड में बहुत सारे यहाँ पर अरेबियन फूड हैं जो गुलबर्गा में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे अरेबियन फूड्स गुलबर्गा में हैं, लेकिन उससे हटकर ये जो अरेबियन, जो लहम अरेबियन रेस्टोरेंट जो ओपन हुआ है, बहुत ही अच्छा इनका मेन्यू है। तो आप ज़रूर यहाँ पर आए और ट्राई करें, टेस्ट करें और इंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर चीफ गेस्ट आए थे, तमाम लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी तमाम हमारे चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने हमारे तमाम डिशेस का उन्होंने टेस्ट लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें काफ़ी पसंद आया है। और स्पेशल बोरमा एक ऐसी डिश है जो आपको यमन की है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और स्वीट डिशेस आपको जो है डिफरेंट वराइटीज़ जो अरबियन डिशेस में मिलेंगे। मैं गुलबर्गा की तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, वो एक बार लहम फैमिली रेस्टोरेंट में आइए, हमारे डिशेस का मज़ा और लुत्फ़ उठाइए। लहम मंदी जो है हमारे पास, मटन मंदी, चिकन मंदी, फ़िश मंदी और बीफ मंदी आपको सैटरडे और संडे मिलेंगी, और इंशाल्लाह बोरमा आपको रेगुलर मिलेगा। मैं गुलबर्गा की तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, कल से आप लोग आ सकते हैं और इसका मज़ा और लुत्फ़ उठा सकते हैं।